कुछ खोना है कुछ पाना, कुछ खोना है कुछ पाना, हारे संगी जीवन के खेल पुराना। हारे संगी जीवन के खेल पुराना। जब तक ये सांस चलते हैं सुख दुख के पैदगरी माँ, हमला है चलते जाना। हारे संगी जीवन के खेल पुराना। कुछ खोना है कुछ पाना, नदिया तरिया खेत परिया और हरदी के बारी, कैसे भुलाऊं भैया भौजी बाबू और महतारी। नदिया तरिया खेत परिया और हरदी के बारी, कैसे भुलाऊं भैया भौजी बाबू और महतारी। छोड़ के जावत हाँ ये तोरे घर औ अंगना, गुरु के घर सुख के खजाना। हारे संगी जीवन के खेल पुराना। कुछ खोना है कुछ पाना, कुछ खोना है कुछ पाना, हारे संगी जीवन के खेल पुराना। हारे संगी जीवन के खेल पुराना। रे मनवा तय पोछ ले आंसू ढाढ़स कौन बंधाही, मान ले कहन ये सारी जगत के जौना ही तन जाही। रे मनवा तय पोछ ले आंसू ढाढ़स कौन बंधाही, मान ले कहन ये सारी जगत के जौना ही तन जाही। राजा हो चाहे फकीरा छोड़े तन के पिंजरा, सब बोला पर ही जाना। हारे संगी जीवन के खेल पुराना। कुछ खोना है कुछ पाना, कुछ खोना है कुछ पाना, हारे संगी जीवन के खेल पुराना। हारे संगी जीवन के खेल पुराना। मोर सपना के गुरु कहाँ तें दर्श दिखा दे मोला, मोर सपना के गुरु कहाँ तें दर्श दिखा दे मोला। देव बरोबर पूजा करहूँ दिल में बसा के तोला। मोर सपना के गुरु कहाँ तें दर्श दिखा दे मोला। देव बरोबर पूजा करहूँ दिल में बसा के तोला। मोला तें ज्ञान करा दे कैसन रद्दा बता दे, पर ही झन यहाँ फेर आना। हारे संगी जीवन के खेल पुराना। कुछ खोना है कुछ पाना, कुछ खोना है कुछ पाना, हारे संगी जीवन के खेल पुराना। हारे संगी जीवन के खेल पुराना। जब तक ये सांस चलत है सुख दुख के पैदगरी ला, हमला है चलते जाना। हारे संगी जीवन के खेल पुराना। कुछ खोना है कुछ पाना,
बोले सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय। बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय। अभी हम सब लोग उमेंद्र जी साहेब जी से विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने अमृत विचारों से हम लोगों को लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सदगुरुदेव की जय। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु श्री अभ्यास साहेब की जय। हे सतगुरु संतवन श्वेत कंज सुखधाम, सत्य कथा आरंभ करूं गुरु करके तुझे प्रणाम। परम वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती माताओं तथा इस धराधाम में खेलने वाले नन्हे मुन्ने बालकों, आज बहुत ही सु अवसर है जो विवाह के बाद जो आशीर्वाद के रूप में यहाँ सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है और इस आशीर्वाद देने के लिए इन वर और वधु को हम लोग एकत्रित हुए हैं और अपने रिश्तेदारी परिवार के लोग सब आशीर्वाद दे चुके हैं और ये लोग इतने सौभाग्यशाली हैं जो इस भक्त परिवार में बहू बनकर के आई हुई है और यह परिवार कितने सौभाग्यशाली हैं, यह घर कितने आदर्श के रूप में है जो इस परिवार से दो संत हो चुके हैं। क्योंकि जो माता पिता संस्कारी होते हैं वही संस्कार देते हैं, तो ऐसे संस्कारी परिवार में आ करके आप लोग भी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। क्योंकि हम देखते हैं दुनिया में ऐसे परिवार बहुत ही कम मिलते हैं, जिस प्रकार से लोहा बहुत मिलता है लेकिन सोना हीरा बहुत कम मिलता है इस दुनिया में, इसी प्रकार से जो ऐसे ऐसे परिवार हैं लोग कितने झगड़ा झंझट करके नरक बना देते हैं घर में, लेकिन आज इस परिवार में आकर के आप लोग ऐसे सौभाग्य का कर्म करना
जो लोग सुने और देखे तो लगे कि वाकई में यह परिवार एक भक्त परिवार है। तो आप लोगों का जीवन सुखमय और शांतिमय हो और इस परिवार में रह करके ऐसे जीवन जिए ताकि अपना जीवन सुखमय हो, परिवार के लोगों के जीवन भी सुखमय हो। इस तरह से आप लोगों का कर्तव्य बनता है। तो इसलिए कहा जाता है कि परिवार में आप लोग जुड़े हैं इस परिवार में, तो पति और पत्नी का जीवन कैसे होना चाहिए, एक दूसरे के साथ किस तरह से जीवन बिताना चाहिए। तो जिस प्रकार से कोई घर में आते हैं तो छोटे छोटे बात के लिए जो तर्क करता है तो उसका जीवन नरक हो जाता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में समर्पित होता है, इतना समर्पित होता है कि एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखता है, वही जीवन प्रेममय होता है, स्वर्गमय होता है। तो यह जीवन आप लोगों का कैसा है, जिस प्रकार से कोई कलम लगाते हैं, कलम बनाते हैं जिस पेड़ में नींबू का, चीकू का, आम का, तो क्या करते हैं, एक डाली से दूसरे डाली को बांध करके, पेड़ में बांध करके उसमें सूत से बांधते हैं और मिट्टी लगा देते हैं। फिर वह दोनों का जो जड़ निकलता है, अंकुर निकलता है और उससे बढ़ता है, फिर उसका फल फूल कैसे होते हैं, जिस आम में कलम लगाए हैं और पेड़ जिस तरह का है उसी का फल लगता है। इसी प्रकार आप लोग एक दूसरे गोत्र से आप लोग जुड़े हुए हैं और आपका जीवन ऐसे होना चाहिए जिस प्रकार से पानी में, दूध में पानी मिलाते हैं तो पानी तो मिल जाता है, लेकिन जब गर्म करते हैं पानी को तो पानी, दूध को गर्म करते हैं तो पानी भाप बनकर उड़ जाता है। तो ऐसे नहीं, जिस तरह से एक स्थान का पानी दूसरे स्थान का पानी दोनों को मिला देने से कोई अलग नहीं कर सकता है। दूध में से पानी को अलग तो हंस करता है, ऐसे सुने हैं, पढ़े हैं, लेकिन एक स्थान का पानी दूसरे स्थान का पानी दोनों को मिला देने से उस पानी को अलग करने का इस दुनिया में कोई मशीन भी नहीं बनी है और ना कोई अलग कर सकता है। ऐसे ही अपने जीवन को इस तरह से जोड़ करके, इस तरह समर्पित करके रखे ताकि हमारे जीवन में कोई विघ्न बाधा डाले तो कोई उस प्रेम को तोड़ ना सके। अटूट प्रेम जिसको कहते हैं, पत्थर की लकीर के समान प्रेम, जिस प्रकार से हम पत्थर में लकीर खींचते हैं खोद करके, तो जब तक से वो पत्थर नहीं टूटता है तब तक से वो लकीर नहीं मिटती है। कोई तोड़ने वाला मिटाने वाला आए तो पर भी वो नहीं मिटती है। इसी प्रकार से हम अपने जीवन को माता पिता से, पति पत्नी से और परिवार के लोगों से इस तरह से अटूट रिश्ता बनाएं कि दूसरे पड़ोसी या कोई भी हमें तोड़ने की कोशिश करे तो कोई तोड़ ना सके। क्योंकि जहाँ समर्पण होता है वहाँ प्रेम होता है, वहाँ एक दूसरे के गलती को क्षमा किया जाता है, गलती को देख करके बताया जाता है। और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ तो छोटी छोटी गलती को देख करके विवाद होता है। इसलिए विवाद का कोई समय ही ना आए उससे पहले हम सावधान हो जाएं। क्योंकि जब पति और पत्नी में इतना समर्पण भाव हो
इतने अच्छे से रिश्ता बने ताकि उसका आने वाला संतान भी उनके तरह ही बन सके। तो इस तरह से हम अपने जीवन को कैसे परिवार में ढाले, कैसे रहे, कई उदाहरण मिलते हैं जहां पति और पत्नी में विवाद होता है। विवाद तो कुछ बात को लेकर कुछ समय तक से होता है, सबको गुस्सा आता है, सबसे त्रुटि होती है, लेकिन हम बातचीत करना बंद कर देते हैं। जब बातचीत करना बंद कर देते हैं तो फिर वो मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जहां बात विवाद हो वहां संवाद भी होना चाहिए। जब संवाद होता है तो विवाद भी संवाद में बदल जाता है। आदमी कुछ देर के लिए मन मुटाव करते हैं, फिर तुरंत बातचीत करने लग जाता है। तो एक उदाहरण है, कहा करते हैं लोग कि एक पति और पत्नी में ऐसे बातचीत करते करते बातचीत बहुत बढ़ गई थी। फिर उसके बाद में क्या होता है कि पत्नी जानती थी कि मेरे पति को ये चीज पसंद है और अपने पसंद पति के पसंद को अपने पसंद बना लिए, और पसंद बना करके जैसे ही पति जैसे खाते थे उसी तरह से अपने मन को बना लिए, अपनी रुचि बना लिए और उसी में वो ढल गई। तो एक दिन ऐसे बातचीत करते करते उनके मन में थोड़ा मुटाव हो गया, फिर बातचीत करना बंद। अब पत्नी सोचती है अब उसको मैं कैसे मनाऊं, मेरी गलती नहीं है, उसका गलती है। फिर वो बातचीत बंद कर देते हैं। फिर उसके पसंद से इतना सुंदर उसको पसंद था कि गोभी का पराठा और रायता, इतना सुंदर बनाई थी गोभी की पराठा और रायता, उसके सुगंध पूरे घर में फैल गए। फिर पत्नी सोचती है कि मैं कैसे उसको कहूं और कैसे बुलाऊं, वो भी अड़ गई, पति भी अड़ गए, अब मैं कैसे खाने जाऊं जब तक ना बुलाए। तो क्या करती है, पति अपने भोजन रख लेती है और मंत्र पढ़ती है कि गोभी पराठा रायतो कोई खाए तो, ऐसे तीन बार बोलते हैं गोभी पराठा रायतो कोई खाए तो। तो उतने तीन बार पढ़ते पढ़ते उनके पति सुनते हैं अंदर से, फिर वो कहने लगा कि गोभी पराठा रायतो तो कोई हाथ पकड़ ले जाए तो तब मैं खाऊं। तो इस तरह सुनते ही वो पत्नी खुश हो जाती है और मुस्कुराती हुई जाती अपने पति के पास और कहते हैं कि चलिए हम बाद विवाद थोड़े थोड़े बात को लेकर के हम मन मुटाव कर लेते हैं और इससे हमारा जीवन कितना नरका हो जाता है, आप अलग मैं अलग और कितना ही बनाऊं लेकिन आपके खाए बगैर मैं कैसे खा सकती हूँ। तो इस प्रकार कोई मन में मुटाव आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन बोल चाल कभी बंद नहीं करना चाहिए। हर के सामने वो विपत्ति आती है, वो समय आता है, कुछ न कुछ कुछ किसी से त्रुटि हो जाती है, तो उस त्रुटि को न देखते हुए मन में अपने ना बसाए और सबके पति प्रति प्रेम का भावना रखे। और जिस घर में जहां बड़े बुजुर्गों से प्रेरणा मिलता है, आदर्श मिलता है, तो उस आदर्श को अपने जीवन में उतारना चाहिए और बाहर ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। इतने अच्छे परिवार है, इतने यहाँ की जो बोली है उसके उसको सुन करके मुझे तो बहुत खुशी होती है कि इतने नरमता से बोलते हैं, कोई डांट के भाषा भी बोल दे तो पर भी लगता नहीं है, लेकिन यही क्षेत्र है, लेकिन हमारे क्षेत्र में एकदम खड़ी भाषा बोलते हैं। तो इस प्रकार से परिवार कितना अच्छा है, सुंदर है, और इसीलिए बहू को लक्ष्मी कही जाती है क्योंकि लक्ष्मी घर को सजाती है, संवारती है। बहू अगर शिक्षित है, समझदार है, तो अपने घर को अच्छा रखेगी, गंदा नहीं रखेगी, हर सामान को साफ सुथरा जहाँ रखना है वहाँ रखती है। और अगर शिक्षित नहीं है
अगर उसके मन में साफ सुथरा वो जानती नहीं है, समझती नहीं है, तो फिर वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं रह जाती है। लक्ष्मी के पास उसके कई गुण होते हैं, अपने परिवार को बिना खिलाए वो खाती नहीं है, और इसीलिए जो नारी होती है उसको नारायणी कहा जाती है। नारी नारायणी होती है क्योंकि उसके मन में दया क्षमा और प्रेम की भावना होती है, और वो दोनों कुल की प्रकाश पर प्रकाश करने वाली होती है, क्योंकि एक कुल है पिता का कुल और दूसरा है पति कुल। जो बेटी अपने घर में अपने पिता के यहाँ अपने माता के यहाँ अच्छी बेटी बनकर रही हो, वो पति के घर में आकर के वो अच्छी बहू बन जाएगी, और अच्छी बहू बन जाएगी तो अच्छी माँ भी बनेगी, अच्छी भाभी भी बनेगी, और कुछ दिन के बाद वो सास बनेगी तब भी अच्छी बनेगी। तो संस्कार अपने जीवन में माता पिता अपने बेटी को अपने बेटे को जो संस्कार देते हैं बचपन में, वही संस्कार उसके जीवन में अमिट होते हैं, वो जीवन भर मिटता नहीं है। वो जहाँ रहेगी वो अच्छी रहेगी, और अच्छी रहेगी तो उसका लोग प्रशंसा करेंगे। तो इस घर में आप बहू बनकर के आई हैं, तो ऐसा ना हो कि माता पिता की सेवा ना करें। इसीलिए हमारे भारतीय संस्कृति में चार देवता मानते हैं। पहला है मातृदेवभव, पितृदेवभव, अतिथि देवभव और आचार्य देवभव। इसको चारों को देवता समझ करके, देवी समझ करके, जो अपने जीवन में उसको उसके दिल को नहीं दुखाते हैं, माता देवी है। आज आप लोग अपनी माता अपने पिता को छोड़ करके यहाँ आए हैं, तो यहाँ का माता सासू है, यहाँ के पिता ससुर है, और जितने भी हमारे तुम्हारे घर में सदस्य हैं वो क्या है, देवी देवता के समान है। इसीलिए माँ के दिल को कभी ना दुखाना, पिता के दिल को कभी ना दुखाना, पति भी देवता है उसके भी दिल को ना दुखाना। दोनों का कर्तव्य है कि एक दूसरे को समझना। सहज जी बताएं ना, जिंदगी बीत जाती है लेकिन पति और पत्नी दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। तो एक दूसरे के मन को समझना, और कैसे यह गृहस्थ जीवन सुखी रहता है, तो कहा जाता है कि एक बार एक व्यक्ति नवयुवक था, तो एक सज्जन के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं अपने गृहस्थ जीवन में सुखी रहना चाहता हूँ, इसका भेद मुझे बता दीजिए, मैं किस तरह से जी करके सुखी रहूं। तो वह सज्जन व्यक्ति के घर में गया और जा करके बैठते हैं, सज्जन व्यक्ति से पूछते हैं, जैसे ही मेहमान गए और उसके लिए चाय बनाए, तो चाय जब उसकी पत्नी चाय बनाती है तो शक्कर के जगह में नमक डाल देती है। अब दोनों मेहमान के साथ में बैठे हैं और पत्नी चाय लेकर के आती है, दोनों चाय पीते हैं। मेहमान सोचता है कि यह तो बहुत खारा है, फिर भी ये घर मालिक क्यों नहीं बोल रहे हैं अपनी पत्नी से। वे कुछ नहीं बोले और चुपचाप पी लिए। फिर कुछ देर हुआ, ऐसे दोपहर का समय 2 बजे चिलचिलाती धूप थी, उस समय में वे कहते हैं कि लालटेन जला करके लाइए, तो भी कुछ तर्क नहीं करती है, लालटेन जला करके ले आती है। तो मेहमान पूछते हैं, अब जाने का समय हो गया, तो सज्जन जी आप बताइए कि अब मेरा जाने का समय हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ, तो गृहस्थ जीवन सुखी में कैसे हो। तो वह सज्जन व्यक्ति कहने लगे, अभी तक आप नहीं समझ पाए, जब पत्नी से कुछ गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए, तो उसको कोई मेहमान आए हैं और 2-4 लोग बैठे हैं, उसके सामने में कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसकी बेइज्जती होती है, वो
शर्मा जाती है, उसको अच्छा नहीं लगता है, तो कोई भी गलती हो तो एकांत में ले जाकर के उसको बता देना चाहिए। और पति से कुछ भी कोई बात कहे, अच्छी बात कहे, तो उसके बारे में कभी तर्क नहीं करना चाहिए, ये क्यों, ऐसा क्यों, ऐसे क्यों मुझे बार बार ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। जो अच्छी बात हो, अच्छी सलाह हो, उसको बिना तर्क किए समर्पित भावना का मतलब वही होता है कि जो भी मेरे लिए कह रहे हैं, मेरे पति या मेरे बाप, मेरे माँ, जो भी कह रहे हैं तो मेरे हित के लिए ही कह रहे हैं। इसी तरह से जो व्यक्ति एक दूसरे में समर्पित के भावना रखते हैं, पूरे परिवार में सबके लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, वही व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रह करके सुख और शांति से जीवन बिता सकते हैं। और यही सुख का राज है। हम सोचते हैं कि उसके घर में झगड़ा क्यों नहीं होते हैं, हमारे घर में झगड़ा क्यों होता है, तो उसका कारण है कि हम एक दूसरे के छोटे छोटे बातों को लेकर के हम तर्क वितर्क करते हैं। तो तर्क वितर्क न करें, अपने कोई भी त्रुटि हो, कोई भी बात हो तो आपस में पूछ ले, और अगर गलती हुई है तो बता दे कि तुमसे एक गलती हुई है, तो वो भी माफ कर देंगे, और उसको भी सोचना चाहिए कि मुझसे गलती हुई है, अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। दोनों में गलती होती है, इसलिए हम एक दूसरे की गलती को बताएं, एक दूसरे की गलती को क्षमा करें, तभी यह गृहस्थ जीवन अच्छा से सुख और शांति से चल सकता है, और आने वाले जो संतान हैं उसके ऊपर भी अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। हम माता पिता ही अच्छे नहीं रहेंगे तो बच्चे कहाँ से अच्छा होगा। इसीलिए हम अगले जीवन को देखते हुए हम अपने जीवन में अच्छा काम करें, अच्छा विचार करें, और सबको अच्छे दृष्टि से देखें, क्योंकि हमारे विचार गलत होते हैं तो हमारी दृष्टि गलत होती है, फिर आचरण में हम गलत करते हैं। इसीलिए हम विचार को अच्छे रखें, चाहे हमारे दुश्मन क्यों ना हो, हम उसके लिए गलत कभी ना सोचें। जो हम दूसरे के लिए गलत नहीं सोचेंगे तो हमारे लिए भी लोग गलत नहीं सोचेंगे। इसलिए इस परिवार में और इस परिवार के लोगों को देवी और देवता समझ करके किसी से कभी विवाद ना हो, ऐसे समझदारी पूर्वक अपने जीवन को बिताएं, और अच्छा ही आप लोगों का जीवन सुखमय शांतिमय हो, और इस परिवार में आप लोग कहीं बाहर के लोग देख करके आप लोगों से आदर्श ले, यही काम करें, और यही सद्गुरु से प्रार्थना है कि आपके जीवन में कभी भी वाद विवाद ना हो, आपका बंधन जीवन पर्यंत बंधे रहे और अच्छे से रहे, सुख पूर्वक आप लोगों का जीवन कटे, और आपके परिवार भी अच्छे से रहे, यही शुभकामना आप लोगों के लिए है। और यही शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। की जय। आरती पूजा की तैयारी करते वक्त थोड़ा समय लगेगा आप सबके बीच, तब तक एक भजन प्रस्तुत है। किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं।
किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। मुसीबत में न जो घबराए, मुसीबत में न जो घबराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है ये अक्सर हो ही जाती है, मनुष्य गलती का पुतला है ये अक्सर हो ही जाती है। जो गिर कर भी जो करते ठीक गलती को, जो करते ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस कर जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस कर जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर भी संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, लिए यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। सफल जीवन उसी का है जो नर परमार्थ करते हैं, सफल जीवन उसी का है जो नर परमार्थ करते हैं। पथिक मिल बांट कर खाए, पथिक मिल बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए
भगवान कहते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। गुरुदेव सदगुरु मुक्ति दाता जेहि, गुरुदेव सदगुरु मुक्ति दाता